चौथे चरण का लोकसभा का निर्वाचन सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह पुलिस अधीक्षक केसी गोस्वामी के साथ लगातार भ्रमण कर रहे हैं और मतदाताओं से बात भी कर रहे हैं। उन्होंने कई बूथों का अब तक निरीक्षण किया है। सभी जगह मतदान साथ पूर्ण ढंग से चल रहा है। अधिकतर बूथों पर मतदाताओं की लंबी लाइन देखने को मिल रही है। मतदान बूथों पर पानी, टेंट, साफ आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। किसी भी प्रकार की मतदान कर्मी को मतदाताओं को समस्या ना आने पर इसके लिए विशेष ध्यान रखा गया है। जो नए वोटर बने हैं उनमें काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। 9 बजे तक हरदोई लोकसभा के लिए 13.17 तक, मिश्रित लोकसभा के लिए 12.9% मतदान हो चुका है। जिलाधिकारी श्री सिंह ने एक बार फिर जनपद के सभी मतदाताओं से सपरिवार मतदान करने की अपील की है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने की उनकी मुहिम में मौसम भी साथ दे रहा है। मतदान करने वाले मतदाताओं का कहना है कि देश की सुरक्षा, देश के विकास पर वोट कर रहे हैं। राज्य मंत्री उच्च शिक्षा रजनी तिवारी ने धन्नोपुरवा प्राथमिक पाठशाला में जाकर लाइन में लग करके अपना मतदान किया और लोगों से अपील भी की कि घर से निकलकर मतदान अवश्य करें। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज 13 मई को जनपद के सभी 3328 बूथों पर सुबह 7 बजे मतदान प्रारंभ हो चुका है। उसके पहले हमारे पीठासीन अधिकारियों ने मॉक पोल किया और मतदान प्रारंभ हो चुका है। मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदाता आ चुके हैं। मैंने अभी वेबकास्टिंग कंट्रोल रूम को भी जाके देखा, सभी विधानसभाओं को देखा और अच्छा माहौल है, लोग वोटिंग करने के लिए आ रहे हैं। बहुत अच्छा, आप देखते हैं कि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। अभी 8:30 बजा है और बहुत बड़ी लाइन दिखाई दे रही है, तो लोगों में जोश और उत्साह है और उत्साह के साथ लोग लाइन में लग करके वोट डाल रहे हैं। लग रहा है कि लोकतंत्र का महापर्व है और सभी लोगों की इसमें भागीदारी हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे वोट डाल रहे हैं।